कोशिश कर रही है वो, पूरी पूरा दम लगा रही, पूरा पूरा दम, बट लगी हुई है पीछे। आज का कंपैरिजन टेस्ट 250 सीसी और 310 सीसी के बीच में है। हालांकि दोनों के प्राइस सेगमेंट में ज्यादा अंतर नहीं है, ये भी 2,80,000 के आसपास है और ये भी 2,80,000 के आसपास है। अब देखना ये है कि जब आप 2,80,000 रुपए खर्च करने का मूड बना चुके हैं तो बेटर कौन सी है आपको, आपको लेनी कौन सी बाइक चाहिए, बस यही यही मेन मुद्दा है भाई कि अगर 2,80,000 आप खर्च कर रहे हो तो कौन सी बाइक चाहिए। अब दोनों में सबसे तगड़ा डिफरेंस देखो लुक का, यहाँ पे थोड़ा बल्की लुक मिलता है, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा लुक मिलता है। टायर की बात करते हैं, सबसे पहले दोनों के फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर है, दोनों के रियर में आपको 150 सेक्शन का टायर है। डिजाइन आप टोटली देख सकते हो कि अपाचे का थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है, थोड़ा सा ज्यादा बल्की लगता है, सीट्स वगैरह भी थोड़ी बेटर है ड्यूक के कंपैरिजन में। दोनों में आपको यूएसडी फोक्स मिल जाते हैं, वहाँ पे डब्ल्यूपी के सस्पेंशन मिलते हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मल अपाचे ने ब्रांडिंग कोई नहीं कर रखी है ऐसी जिसके सस्पेंशन हो। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको कलरफुल TFT डिस्प्ले मिलता है विद बहुत सारे मोड्स, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, हजार्ड फ्लैशर मिल जाता है और मोड तो आपको मिलते ही मिलते हैं। साथ ही साथ ड्यूक में भी देख लेते हैं क्या है, अरे ब्लैक एंड व्हाइट TFT डिस्प्ले है गाइस इसमें, अरे ये तो दिक्कत हो गई। हालांकि इसमें आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, इसमें भी आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है। अब स्विचेस की बात कर लें तो ये वाले स्विचेस मुझे, मैं रियल में बताऊं तो थोड़े ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं उसके कंपैरिजन में, खाली स्विचेस की बात कर रहा हूँ, बाकी तो ऑलमोस्ट मुझे अपाचे 10 टाइम्स बेटर लगती है इसके कंपैरिजन में। कि अगर आप 2,80,000 फूक रहे हो तो वाई ड्यूक 250 यार, 310 सीसी की पावर फील करो ना। अब स्पेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 30 PS की पार, यहाँ पे आपको मिलती है 35 PS की पार, 5 PS की पार भी ज़्यादा मिल जाती है। तो लेट्स सी गाइस कि ये रोड पे कैसा परफॉर्म करने वाली है, मतलब इन दोनों बाइकों से अगर आप चल रहे हो, पैसे हालांकि आपने सेम खर्च किए हैं, तो परफॉर्म कौन सी बाइक आपकी बेटर करेगी, लेट्स सी। सबसे पहले मैं चलाऊंगा ये अपाचे RTR 310 और ये चलाएगा ड्यूक, बाद में हम राइडर स्विच करके भी चेक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द रेस। वेट का थोड़ा सा फायदा जरूर मिलेगा इनको भाई साहब को, इनका वेट बहुत कम है। चले तो यहाँ पे भाई RTR फास्ट है इनिशियल में, नो डाउट, देखते हैं कितनी देर आगे रह पाते हैं RTR को लेके। भैया 159 में इसको पहले भी ले जा चुका हूँ, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। अब बात है गाइस, फुल फॉर्म में निकली है, देखते हैं अब यहाँ पर कितना ये जा पाती है। 150 जा रही है, ज्यादा गैप नहीं है, देख सकते हो 151 मीटर एरर पावर देखने को मिलने वाला है यहाँ पर। खतरनाक बैटल है ये, हेड टू हेड हो सकता है। इसलिए स्विमिंग नहीं करने देंगे गा।
होगा। बराबर इसने स्विमिंग कर रहा है, देखो बराबर इसने स्विमिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ कि आरटीआर की पावर ज्यादा है, मतलब टॉप एंड भी अच्छा दे रही है और इनिशियल भी अच्छा दे रही है। तो रिजल्ट तो आपको पता चल गए हैं गाइस। अब हम राइडर स्विच कर लेते हैं एक बार और, मेरे भारी वेट पे ड्यूक को थोड़ा और पीछे करते हैं। चले ये देखिए गाइस, बहुत तेजी में जा रहा है लौंडा। मैं निकला कटिले के रास्ते में एक मोड़ आया, मैं दिल उठे छोड़ आया, और मैं यहाँ निकल आया हूँ। ड्यूक 250 लगी हुई है पीछे। हाँ ये है कि वो करेगी जब फिल्म स्विमिंग तो आगे जरूर आ जाएगी, और पीछे लगी हुई है मेरे। देखना है कि ड्यूक कैसे कवरअप करती है, ऐसे ही करेगी कवरअप भाई स्लिप स्विमिंग कर करके। अगर मैं कैमरा स्विच करूं तो आप देख सकते हो, फिलहाल तो हम आगे हैं तब से। तो गाइस आपने देखा कि मैंने कैसा चिकट कोट लगा के, एकदम चिकुटिया वाला कोट लगा के जीता हूँ मैं, एकदम मस्त वाला। हालांकि 160 टच कर रही है भाई ये भी। क्या बेवानी है तगड़ी वाली। तो यहाँ पे गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो विनर है वो अपाचे है। बहुत ज़्यादा स्लिप स्विमिंग यूज़ करने के बाद ये इसके बगल में आ पा रही है। तो भाई साहब अब आप ही डिसाइड कर लो कि आपको 2,80,000 रुपये अगर खर्च करने हैं तो करने हैं तो कर लो यार ड्यूक पे। यहाँ पे अपाचे मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है, बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका है भाई, है ना। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।